अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। एक बार फिर ये है ब्रेडेड ब्रेड की रेसिपी, और इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार की तरह रहता है। इसको बड़े से लेके छोटे सब पसंद करते हैं, तो इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे बाउल में एक चम्मच लिया है पिसी हुई चीनी, और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन एक चम्मच ड्राई ईस्ट, और इसको 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने के लिए साइड में रख देना है। 15 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसको हम साइड में रखेंगे, और हमें आटा लगाना है ब्रेड का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में एक छोटी कटोरी मैदा लिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि ब्रेड का नमकीन टेस्ट आए। अब इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे ईस्ट जो हमने 15 मिनट के लिए साइड में रखा था। फिर इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और इसका डो बनाऊंगी। इसको गूंद लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इससे ब्रेड सॉफ्ट बनती है। अब फिर इसको ऐसे आप चाहें तो बाउल में ही गूंद सकते हैं, अगर इसमें ना गूंदना चाहें तो आप किचन काउंटर पे भी गूंद सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसको अब तब तक अच्छे से गूंदूंगी जब तक एकदम चिकना नहीं हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करूंगी। तो अभी देखिए मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसको कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी खमीर आने के लिए, मतलब आटा फूलने के लिए। तब तक हम अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेंगे, मतलब फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में तकरीबन 2 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच तकरीबन ये अदरक है कटी हुई। अब इसको हल्का सा हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। ये भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ। अब इसका भी सॉफ्ट होने का वेट करना है। अब ये भी सॉफ्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रीन बीन्स लिया है, जिसको लोबिया भी बोलते हैं। इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसको डाल के मैं थोड़ा देर पकाऊंगी, तब तक जब तक कि हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पे इसे पकाना है हमें। तो अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। तो उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी आधी कटोरी गाजर कटी हुई, आधा कटोरी प्याज कटी हुई, और आधी कटोरी तकरीबन यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न, और 1 कटोरी पत्ता गोभी या कैबेज, और आधी कटोरी टमाटर। अब इनको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। फिर इसको मिक्स करेंगे, और तकरीबन 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है लो फ्लेम पे ढककर, और इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालूंगी, फिर इसको मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे नमक। इसको डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट हम पकाएंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा ही पकाना है।
तो लो फ्लेम पे मैंने इसको 1 मिनट पका लिया है, ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और सब्जियों को ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। यहाँ हमारा डो भी रेडी है, डो के मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं। अब इसको बेलना है तो इसको हम ओवल शेप में बेलेंगे। अगर ये बेलते वक्त चिपके तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने देखिए इसको बेल लिया है, अब इसमें कट लगाने की बारी है। तो एक साइड से मैं पहले कट लगा लूँगी, इसमें पतले कट नहीं लगाने हैं, हमें मोटे ही कट लगाने हैं। और अगर नाइफ मतलब छुरी चिपके काटते वक्त तो आप इसमें मैदा लगा लें। और देखिए मैंने इतने इतने गैप पे इसको काटा है, इसी तरीके से पूरे एक साइड को काट लेंगे। तो जितने कट मैंने एक साइड लगाया है उसके अपोजिट साइड भी हम उतने ही कट लगाएंगे। अगर कम ज़्यादा कट लगाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा नहीं। तो दोनों तरफ से मैंने कट लगा लिया है। अब इसके बीच में मैं रखूँगी फिलिंग जो हमने वेजिटेबल्स की तैयार की थी, और अब फिलिंग रखने के बाद उसके ऊपर डालेंगे चीज़। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने व्यूज़ भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने चीज़ इसके ऊपर डाल लिया है, अब इसको फोल्ड करने की बारी है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही चिपका रहेगा। तो अब इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इसको देखिए मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है, नीचे वाले को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, इसमें चिपका लेना है। तो ये मेरा एक पीस ब्रेडेड ब्रेड का बनके तैयार है, और एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। अब इसको हम रखेंगे साथ में और इस पे लगाएंगे दूध। दूध और शुगर पाउडर मैंने दोनों मिक्स करके इस पे लगाया है। इसको लगा के 45 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे हम रेस्ट के लिए, उसके बाद इसको बेक करेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बेक करते टाइम एग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ़ आप दूध और शुगर सिरप का ही यूज़ करके इसको बेक कर सकते हैं। अब इसको मैंने देखिए अच्छे से लगा लिया है दोनों में वो दूध का सिरप। अब मैं इस पे थोड़ा सा तिल लगाऊंगी और इसको साइड में रख दूंगी। पैंतालीस मिनट हो चुके हैं, देखिए ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हमें कढ़ाई प्री हीट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे कढ़ाई ले रहे हैं, उसमें हम डालेंगे नमक। आप किसी भी बर्तन को प्रीहीट करके इसको बेक कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाला है स्टैंड, और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमें प्रीहीट करना है तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे ब्रेडेड ब्रेड को बेक होने के लिए। और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हमें लो फ्लेम पे बेक करना है। आप कम ज़्यादा फ्लेम पे अपने हिसाब से बेक कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। तो ये मेरी रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।